तो क्या ये बीजेपी का अमेठी के अंदर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन था? बहरहाल बीजेपी मतलब एनडीए, एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की भी बात कर लेते हैं, जहां करीब 10 साल बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर दिखे। लेकिन सोने पर सुहागा तब हुआ जब इन दोनों सितारों के साथ केंद्रीय मंत्री और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान भी रैली के मंच पर नजर आ गए। मौका था पटना में एनडीए की संकल्प रैली का, जहां एनडीए के सभी नेता हुंकार भरते नजर आए और पीएम मोदी के पक्ष में ये हुंकार भरी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक बिसात बिछाने का दौर शुरू हो चुका है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां जनता का मन टटोलने में लग गई है। बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित किया। कई सफल रैलियों के गवाह रहे गांधी मैदान में पहली दफा पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार बिहार में किसी चुनावी रैली के मंच को एक साथ साझा किया। रैली का मुख्य आकर्षण पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहे, जो करीब 10 वर्षों के अंतराल के बाद किसी राजनीतिक मंच पर एक साथ दिखे। लेकिन सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब इन दोनों एनडीए के सितारों के साथ केंद्रीय मंत्री और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान भी रैली के मंच से एनडीए की हुंकार भरते हुए नजर आए। नवंबर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच छिड़ी जुबानी जंग काफी चर्चा में रही, लेकिन चार साल के दौरान राजनीति की तस्वीरें काफी बदल चुकी है। बीजेपी और जेडीयू की जुलाई 2017 से बिहार में गठबंधन की सरकार है। विजय संकल्प रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफों के जमकर पुल बांधे। नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की कि 2019 लोकसभा चुनाव में फिर से केंद्र में मोदी की सरकार बननी चाहिए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का नहीं बल्कि 156 इंच का है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यादव परिवार से लेकर कांग्रेस तक पर निशाना साधा। अब उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक, चारा जैसी जरूरतों के लिए किसी से कर्ज नहीं मांगना होगा। साथियों, चारे के नाम पर क्या क्या हुआ है ये बिहार के लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अब बिचौलियों से मुक्त सीधे बैंक खाते में पैसा जमा करने वाली ये प्रभावी योजना एनडीए सरकार ने, आपके इस चौकीदार ने, शुरू की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई नीति और नई रीति वाला नया हिंदुस्तान है। अब वीर जवानों के बलिदान का हिसाब हिंदुस्तान चुन चुन कर लेता है। विपक्षी दलों के नेता हमारे जवानों के पराक्रम पर संदेह कर रहे हैं। जैसे इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, वैसे ही वे अब आतंकी ठिकानों पर हुए हवाई हमलों का सबूत मांगने में लगे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा चाहे गरीब की हो या फिर देश की, देश पर बुरी नजर रखने वालों के सामने आपका ये चौकीदार और हमारा एनडीए गठबंधन दीवार बनकर खड़ा है। अब देखना होगा कि बिहार में एनडीए का गठबंधन कितना कमाल कर पाता है और बीजेपी के साथ उसकी सहयोगी पार्टियों को इस रैली का कितना लाभ मिल पाता है। फर्स्ट इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट।